क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट्स ने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को एक साथ दो जगह एग्जिस्ट करते ही ऑब्जर्व किया है? ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या आपने सोचा है कि गूगल और IBM जैसे कंपनीज ने ऐसे कंप्यूटर्स बनाने में बिलियंस डॉलर क्यों इन्वेस्ट किए हैं जो क्वांटम सुपरपोजिशन पर काम करते हैं? और क्या आपको पता है कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी आपके फोन को 100 गुना ज्यादा पावरफुल बना सकती है? ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। 5 मिनट नॉलेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर मैटर हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल अलग बिहेव करता है। क्वांटम सुपरपोजिशन बस ये कहता है कि क्वांटम पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक वक्त पर मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं जब तक उन्हें ऑब्जर्व या मेजर नहीं किया जाता। जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं वो सिर्फ एक स्टेट में फिक्स हो जाते हैं। एक मशहूर फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने कहा था, अगर तुम्हें लगता है कि तुम क्वांटम मैकेनिक्स समझ गए हो तो तुम क्वांटम मैकेनिक्स नहीं समझ पाए हो। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ऐसी सिंपल तरीके से समझाने की। दोस्तों, अगर मैं एक सिक्का उछालूं और हवा में हो तो जब तक वो गिर नहीं जाता आप नहीं बता सकते कि हेड्स आएगा या टेल्स। ये दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं। क्वांटम सुपरपोजिशन को समझने के लिए सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक स्क्रीन पर भेजा जाता है जिसमें दो स्लिट्स है। अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्मल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते तो हमें दो लाइंस दिखना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट में ह्यूम इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है जो लहरों की विशेषता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एक नॉर्मल पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। ये फेनोमेनन वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहलाता है। दोस्तों, अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए स्क्रोडिंगर की फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट लेते हैं। इसमें एक बिल्ली को एक डिब्बे में बंद किया जाता है जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल है। रेडियो एक्टिव डीके होने पर पॉइजन का रिलीज होता है जो कैट को मार सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब तक बॉक्स नहीं खोला जाता कैट एक साथ जिंदा और मुर्दा दोनों स्टेट्स में है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक एनालॉजी है जो क्वांटम दुनिया के अजीब रूल्स को समझाने की कोशिश करती है। क्वांटम सुपरपोजिशन असल में वेव फंक्शन से जुड़ा है। हर क्वांटम पार्टिकल को एक वेव फंक्शन डिस्क्राइब करता है जो बताता है कि पार्टिकल कहीं भी हो सकता है अलग अलग प्रोबेबिलिटीज के साथ। जब हम पार्टिकल को मेजर करते हैं वे फंक्शन कोलैप्स हो जाती है डॉट। सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है क्वांटम कंप्यूटिंग। ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स बाइनरी सिस्टम पर काम करते हैं जहां जानकारी 0 या 1 के रूप में स्टोर होती है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट्स 0 और 1 दोनों स्टेट्स एक साथ सुपरपोजिशन में होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर एक नॉर्मल कंप्यूटर एक बार में एक कैलकुलेशन कर सकता है तो एक क्वांटम कंप्यूटर एक ही वक्त पर मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकता है। गूगल ने 2019 में क्लेम किया था कि उनके क्वांटम कंप्यूटर ने एक टास्क सिर्फ 200 सेकंड्स में कंप्लीट किया जो दुनिया के टॉप सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लेंगे। क्वांटम सुपरपोजिशन का एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। मीन्स दतमे को डेटा एनक्रिप्ट को एनक्रिप्ट करने के लिए क्वांटम पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल की किया जाता है। आता है अगर कोई हैकर इन्फॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है तो क्वांटम सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और सिक्योरिटी ब्रीच का पता चल जाता है। दोस्तों, क्वांटम सेंसर्स भी क्वांटम सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए एक्सट्रीमली सेंसिटिव मेजरमेंट्स कर सकते हैं। इनसे ग्रेविटी में छोटे बदलाव, मैग्नेटिक फील्ड्स और हट्टा के ब्रेन एक्टिविटी भी डिटेक्ट किया जा सकता है। फ्यूचर में डॉक्टर्स इनके मदद से डिजीजेस को अर्ली स्टेजेस में ही डिटेक्ट कर लेंगे। क्वांटम सुपरपोजिशन के साथ एक और फिनोमिनन है क्वांटम एंटेंगलमेंट। जब दो पार्टिकल्स एंटेंगल्ड होते हैं तो एक पार्टिकल का स्टेट दूसरे पार्टिकल के स्टेट को इंस्टेंटली अफेक्ट करता है चाहे वो कितनी भी डिस्टेंस पार हो। आइंस्टाइन ने ऐसी स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर रोशनी की स्पीड से भी फास्ट लगता है, लेकिन असल में इन्फॉर्मेशन रोशनी की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर रहा होता। एंटेंगलमेंट एक प्री एस्टैब्लिश्ड कोरिलेशन है जो मेजरमेंट के वक्त रिवील होती है। दोस्तों, क्वांटम सुपरपोजिशन ने फिलॉसफी को भी चैलेंज किया है। मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहती है कि हर क्वांटम मेजरमेंट यूनिवर्स को मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सिस में स्प्लिट कर देती है जहां हर पॉसिबल आउटकम एक सेपरेट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन
जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, कहती है कि क्वांटम सिस्टम्स प्रोबेबिलिटी वेव्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, जब तक उन्हें मेजर नहीं किया जाता। मेजरमेंट के बाद वे फंक्शन कोलैप्स हो जाती है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्वांटम सुपरपोजिशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। एमआरआई मशीन्स क्वांटम इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके हमारे जिस्म के अंदर की इमेजेस क्रिएट करती है। ट्रांजिस्टर्स, जो स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स का दिल है, क्वांटम टनेलिंग पर डिपेंड करते हैं, जो सुपरपोजिशन से जुदा है। सोलर पैनल्स भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करते हैं, जो आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी के जरिए समझाया था। जीपीएस सैटेलाइट्स रिलेटिविटी, जो क्वांटम थ्योरी से कनेक्टेड है, को अकाउंट में लेते हैं एक्यूरेट पोजिशनिंग के लिए। दोस्तों, क्वांटम सुपरपोजिशन का कंसेप्ट ने रियलिटी के बारे में फंडामेंटल सवालों को उठाया है। क्या यूनिवर्स असल में प्रोबेबिलिस्टिक है? ऑब्जर्वर का रोल क्या है? दोस्तों, क्या मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सिस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं? क्वांटम फिजिक्स का एक अजीब पहलू ये है कि हकीकत ऑब्जर्वर डिपेंडेंट हो जाती है। ऑब्जर्वर के बिना पार्टिकल्स मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्जर्वर के साथ ये क्लासिकल तरीके से बिहेव करते हैं। ईएसआई मेजरमेंट मसला कहा जाता है। डीकोहेरेंस थ्योरी कहती है कि क्वांटम सिस्टम्स अपनी क्वांटम प्रॉपर्टीज खो देते हैं, जब ये एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। यही वजह है कि हम अपनी डेली लाइफ में क्वांटम इफेक्ट्स नहीं देखते। क्वांटम सुपरपोजिशन को विजुअलाइज करना मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इवोल्व हुआ है। हम क्वांटम दुनिया को सीधा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, सिर्फ मैथमेटिक्स और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए समझ सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट्स ने लार्जर और लार्जर ऑब्जेक्ट्स में क्वांटम सुपरपोजिशन डेमोंस्ट्रेट कर चुके हैं। 2010 में साइंटिस्ट्स ने एक विजिबल ऑब्जेक्ट, एक छोटी मेटल पैडल को क्वांटम सुपरपोजिशन में लाया था। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग में सुपरपोजिशन का इस्तेमाल पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए होता है। ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज को एक एक करके चेक करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स सुपरपोजिशन की मदद से सारी पॉसिबिलिटीज को एक साथ चेक कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जैसे ड्रग डिस्कवरी, वेदर प्रेडिक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेवोल्यूशनाइज कर सकती है। सोचिए कि कैंसर के लिए नए ड्रग्स डिस्कवर करने में, जो अभी सालों में होता है, क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ सिर्फ हाफ्टन में हो जाए। क्वांटम सुपरपोजिशन के कंसेप्ट से क्वांटम टनेलिंग भी एक्सप्लेन होता है, जहां पार्टिकल्स एनर्जी बैरियर्स को क्रॉस कर लेते हैं, जब क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग उनके पास इनफ एनर्जी नहीं होती। न्यूक्लियर फ्यूजन तारों में क्वांटम टनेलिंग की वजह से ही पॉसिबल है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वांटम सुपरपोजिशन के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। ये टॉपिक कंफ्यूजिंग है, लेकिन फैसिनेटिंग भी है, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल नेचर को चैलेंज करता है। क्वांटम सुपरपोजिशन में पार्टिकल्स मल्टीपल स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। मेजरमेंट के वक्त हाई स्टेट डिटरमाइन होता है। क्वांटम कंप्यूटर्स, क्रिप्टोग्राफी और सेंसर्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। सुपरपोजिशन हमारी रियलिटी की समझ को चैलेंज करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्वांटम फिजिक्स के और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।